बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुतखिदार बमारात में कोरोना के हवाले से बनाए गए कानून की खिलाफ वर्जी किए जाने वाले जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तफसीलात के मुताबिक अमारती हुकाम ने कोरोना वबा के दौरान लोगों को वायरस से महफूज रखने के लिए बनाए गए कानून की खिलाफ वर्जी पर किए जाने वाले जुर्मानों में इजाफा कर दिया है। कोरोना टेस्ट न करवाने पर 5,000 दिरहम जुर्माना होगा। इसके अलावा दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर समाजी फासला न रखने पर इनफरादी तौर पर 3,000 और दुकान या रेस्टोरेंट के मालिक को 5,000 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह स्टरिलाइजेशन मुहिम के दौरान जाब्ता कार की खिलाफ वर्जी पर 3,000 दिरहम जुर्माना होगा। हुकाम के मुताबिक स्कूल, जिम, कैफे और स्विमिंग पूल खोलने पर 50,000 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। जबकि जिन जगहों पर थर्मल कैमरों की जरूरत है वहां कैमरे नस्ब न करने पर 20,000 दिरहम जुर्माना होगा। किसी पार्टी या इजतमा की सूरत में मेजबान को 10,000 दिरहम जबकि मेहमानों को इनफरादी तौर पर 5,000 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। किसी दफ्तर या कंपनी में मास्क न पहनने वाले शख्स को 500 दिरहम जबकि कंपनी को 5,000 दिरहम जुर्माना होगा। अगर कोई कंपनी ज्यादा से ज्यादा 30% मुलाजमीन को दफ्तर में बुलाने के कानून की खिलाफ वर्जी करेगी तो उसे 3,000 दिरहम जुर्माना अदा करना होगा। इसी तरह अमारात में वर्कर्स को अमारात में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर कंपनी को 10,000 दिरहम जुर्माना होगा और गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। दूसरी जनब ऐलान किया गया है कि मुतखिदार अमारात में बुध के रोज से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन नाफिज होगा। अमारती हुकूमत ने ऐलान किया है कि ममलिकत में रात के औकात में लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है और 20 मई से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन होगा। अलबत्ता फार्मेसीज और सुपरमार्केट्स 24 घंटे खुली रहेंगी। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।